जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म फिर एक काम करो, एक तरफ भाई लोग एक तरफ माता है, तुम किधर आ जाओ, तुम किधर आ जाओ, इधर आधा कर दो गोपलो और आधा गोपियां हैं। आगे माता मंदिर ज्यादा ज्यादा जगह है, भाई लोग भी कम है। हरे कृष्ण आगे आ जाओ भाई, फिर से आगे आओ बाद में, फिर आगे आना पड़ता है, पहले से आगे आ जाओ। हरे कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलिका प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत विधि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलिका प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीलाल नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाविज्ञ प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग कितना दिन से, 7 दिन से श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा, इनकी भजन आदर्श और इन्होंने कैसे साधन भजन किया है, कौन सा ग्रंथ लिखे हैं, इसी विषय पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं। आज एक श्लोक सुनेंगे हम लोग उपदेशा मृत से, रोज रोज एक एक श्लोक सुन रहे हैं। आज एक श्लोक सुनेंगे तद दृष्ट स्वभाव जनित बपुष्ट दोष न प्राकृत तो मीना भक्त जन्य सपसे गंगा भसाम नखवालो भूतोद फेन पंकई ब्रह्मा द्रवत्तम पगच्छति नीर धर्मई। यदि ये श्लोक में श्री रूप गोस्वामी साधक लोगों को सावधान कर देते हैं, अगर भगवान की भक्ति करना तो हमें भगवान की भक्ति करते समय कभी कभी हमारे अपराध भी हो जाता है, इसलिए अपराध विषय में हमें सावधान रहनी चाहिए। कभी कभी भक्ति तो करते हैं, जैसे घड़ा है उसमें पानी तो भरते हैं, लेकिन अगर उसमें छेद होना क्या होगा, सारे पानी उससे निकल जाएगा, इसलिए हमें छेद को भी बंद करनी चाहिए। छेद को बंद किए बगैर पानी डालते जाओ और पूरा पानी डालकर लास्ट में जगह पानी है ही नहीं उसमें, इसलिए भक्ति जगत में हमें सावधान रह करके भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं हमें क्या सावधानी रहनी चाहिए भक्ति जगत में, इसलिए कहते हैं दृष्टि स्वभाव जनित बपुष्ट। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, कभी कभी उसमें क्या होता है, कभी कभी कोई नीच वर्ण में कोई जन्म ग्रहण हम देख करके जाएंगे ये नीचे जाति के लोग हैं, ये नीचे जाति के व्यक्ति, ये क्या हमें भक्ति को उपदेश देगा, ये क्या भजन करेगा, नहीं। इसलिए बताए कृष्ण भजन नहीं जाति बुलाति विचार, भगवान के भजन में जाति कुल का कोई महत्व नहीं, महत्व है जई भजे सही बढ़, जो भजन करता है वो बड़ा है, और जो भजन नहीं करता है भले ही जितने बड़े क्यों नहीं हो उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए बोले जात पात कुछ ना कोई, हरिदा भजा सो हरिदा, मैंने भगवान की भक्ति है। बताओ हनुमान की कौन सा कुल में जन्म लिया, बंदर, किसी घर में बंदर घुस जाए ना बोले घर अपवित्र हो गया। हनुमान जी पूछ करते हैं मैं ऐसे जात में जन्म लिया, अगर सवेरे अगर मेरे को कोई स्मरण दर्शन कर लेना उसको 3 वर्ष को खाना ही नहीं मिलेगा दिन भर,
लेकिन देखो प्रभु राम की कितना कृपा, मेरे जैसे बंदर को कितने बड़े उन्होंने स्थान दे दिया, कितने बड़े प्रभु राम ने स्थान दे दिया है। पता विभीषण कौन से जन्म में जन्म हुए, वही राक्षस। लेकिन जब भगवान राम को दरबार लगता है, भगवान राम उसको बराबर आसन देते, बराबर आसन देते उनकी राजसभा में है। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज कौन से जन्म में जन्म हुए, वो भी राक्षस जाति में जन्म हुए। सबरी कहाँ छोटी जाति में जन्म हुई है, भगवान जिसके झूठा बैर खाते हैं, इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भक्तों के लिए ये चार बात विचार नहीं करनी चाहिए। और कभी स्वभाव कर्कशता, कभी किसी किसी भक्तों के अंदर में दिखाई पड़ता है, उनका जो बोली है ना बड़ी कर्कश बोली है, बोली में कभी मिठास नहीं होता है, इसलिए कर्कशता को देख करके जिसका जो स्वभाव है, लेकिन कर्कशता को देख करके वो चीज को मत देखा करो। क्या देखो वो कितने भक्ति करते हैं, ये चीज को देखनी चाहिए। और किसी किसी भक्तों का अंदर में बड़ा आलस्य भी होता है, वो बड़े आलसता भी होते हैं, हैं? इसलिए यदि भाई आप वो चीज को भी मत देखा करो, देखो वो व्यक्ति कितना भजन करते हैं। यदि ये स्वभाव जनित जो दोष है, दूसरा बताए बहु, एक हो गया स्वभाव और एक बार बहु, बहु मतलब होता है शरीर, इसलिए शरीर जनित उसमें कैसे देखो, कैसे कैसे कोई व्यक्ति देखने में अत्यंत कुरूप है, देखने में इतने सुंदर है, बता भालू जो जापमान भालू है ना, हनुमान बंदर है ना, कोई कौन सा सुंदरता बता, भालू में कौन सा सुंदरता है, भालू में कौन सा सुंदरता है। लेकिन देखो भगवान की भक्ति करने का नाते इतने बड़े महान है, इतने बड़े महान है। इसलिए भगवत भक्ति जगत में उसकी कुरूपता को मत देखो, अरे देखने में ऐसे है, बेकार है देखने में, है नहीं, ये चीज को मत देखा करो। क्या देखो कितने भगवान की भक्ति करते हैं, ये चीज को देखो, है ये चीज को देखो। इसलिए उनको कुरूप कुरूपता को देख मत देखा करो। जैसे रूप गोस्वामी भजन कर रहे थे, रूप गोस्वामी भजन कर रहे थे, भजन करते करते क्या देख रहे थे, एक दिन राधा रानी कैसे उस पर चयन करने के लिए गई, और कृष्णा देखा रोज यही पर राधा रानी उस पर चयन करने के लिए आती है। कृष्ण क्या किया, जिस पेड़ के ऊपर वो उस पर चयन करते ना, वो पहले पेड़ पर कृष्ण चढ़ गए और डाली को उसने नीचे कर दिया। और जब राधा रानी पकड़ करके उस पर चयन कर रहे थी, इतने कृष्णा प्यार छोड़ दिवास कृष्ण को, तो ऊपर राधा जी को तो ऊपर लेकर चला गया। राधा रानी बोले बचाओ 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 मेरे को बचाओ हमें, बोले भैया ये अपने आप कहीं चला गया। देखा कृष्णा ऊपर में कृष्ण बैठे करके हंस रहे, लेकिन उसी समय पर कोई एक खंजर, खंजर मतलब लकड़ी, एक संत था जिसका नाम था खंजर कृष्ण का, वो लगड़े लगड़े करके चलते थे। जब लगड़े लगड़े करके चलते थे, इतने में रूप गोस्वामी वो लीला देख करके उन्हें लगा हंसी उड़ा, हंसी खिले हंसे, इतने में उनकी मन पे ठेस पहुंच गया। रूप गोस्वामी इतने बड़े संत, संत तो चमड़ा नहीं देखते हैं, संत चमड़ा नहीं देखते हैं, उसकी आत्मा को प्रीति को दर्शन करते, क्योंकि जो महाभागवत है सभी के हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे वो भगवान को दर्शन करते हैं। वो इतने बड़े साधु होकर हमें हंसी उड़ा, उनकी मन दुखी हो गई, दुखी हो गई तो रूप गोस्वामी का जो भजन चल रहा था ना, वो जो लीला स्मृति हो रही थी बंद हो गई, लीला स्मृति उनकी बंद हो गई है। फिर उन्होंने सारे संतों को निमंत्रण दिया, कौन मेरे ऊपर नाराज है, फिर पता चला ये खंजर कृष्ण दास है, इनकी चरण में अपराध हुआ। इसलिए साधु की कुरूपता को देख करके हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। एक समय जनक महाराज के दरबार में बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी बैठे हुए थे, इतने में वहां पर अष्टवक्र ऋषि आए। अष्टवक्र मतलब आठ जगह से टेढ़े, आठ जगह से टेढ़े, जब वो चलते थे ना आठ जगह से टेढ़े है ना, इसलिए आठ जगह से टेढ़े, जब वो सभा में पहुंचे
सभा के जितने सब बड़े लोग बैठे हुए थे ना, देख रहे हा 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 हा, बड़े जोर से हंसी उड़ाए। जब बड़े जोर से हंसे इसको देख करके ये जो ऋषि थे वो भी हा 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 ये भी हंसने लगे। तब सब ऋषि लोगों ने पूछा, भैया तुम क्यों हंस रहे हो? बोले तुम लोग क्यों हंस रहे हो? बोले इसलिए हंस रहे हैं, आप आठ जगह से टेढ़े होकर ऐसे ऐसे चल रहे हैं, इसलिए भैया मैंने सोचा। अष्टावक्र ऋषि कह रहे हैं, बोलते मैंने सुना था जनक महाराज के दरबार में ये बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी रहते हैं, हैं? लेकिन आप लोग अगर ये शरीर को देख कर हंस रहे हैं, इसलिए मैंने देखा कोई ब्रह्म ज्ञानी भी सब चमार बैठे हैं। यहाँ पर कौन बैठे हैं? चमार बैठे। चमार कौन है? जो चमड़े को देख करके, चमार को देखना ना, जो जूती बनाता है, हैं? ये इसका भैया की चमड़ा है, ये कुत्ते की, हिरण का, वो चमड़ा को जो विचार करते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो शरीर को देख करके विचार नहीं करते हैं। तो पीछे जो बैठे हो ना, आगे आ जाओ, जिसका बच्चा नहीं, आगे आकर बैठो, पीछे आकर गप्पे मारते हो बैठे बैठे, आगे आकर बैठो और हरि कथा सुनो। हरि नाम मत क्या करो, माला रखो तो हाथ से माला रख करके हरि कथा सुनो। जब गुरुदेव कथा करते हैं माला नहीं करनी चाहिए, ठीक से हरि कथा सुनो और मन लगा कर सुनो। इसलिए बोले ये सब चमार है, ये सब चमड़ा को देख करके विचार करते हैं। पिछले मैं तो सोच रहा था यहाँ पर बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, हाँ? इसलिए कहते वैष्णव का संतों की शरीर को देख करके, पूर्वता को देख करके विचार नहीं करनी चाहिए, उनकी अंतर आत्मा को देखो, वो कैसे भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, उनकी भक्ति को देखो, उनको चमड़ा को नहीं देखनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं उनका जो पूर्वता है वो चीज को नहीं देखनी चाहिए, और उनके अंदर में कोई पीड़ा वा उनके अंदर में कोई ज्वर है वा इनके शरीर में कोई दोष को देख किसी चीज को मत देखा करो, उनकी भजन को देखो, उनकी कहते उनकी इसलिए कि ये चमड़ा को मत देखा करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण देकर के बताया, प्राकृत दो मिहन बसे, इसलिए उनको प्राकृत वस्तु को मत देखा करो। के बच्ची बच्चे कोई चलना नहीं, सब बैठ कर हरि कथा सुनो। इसलिए तब उन्होंने उदाहरण देकर के समझाए, उदाहरण क्या दिया, जैसे गंगा गंगा है, आप देखना जब बरसात होता है ना, जब गंगा पानी ज्यादा आती है तो उसमें एकदम कीचड़ सा रहता है और उसमें फेड़ का बुदबुद रहता है। जो पानी में जो फेड़ का बुदबुद बताया, ये पाप है, यदि ये पाप है, हैं? इसलिए ये पाप, लेकिन उन्होंने कर दी, लेकिन गंगा पानी को भले ही उसमें कीचड़ क्यों नहीं हो, उसमें छेद क्यों हो, नहीं वो झांक क्यों नहीं हो, लेकिन जब गंगा पानी को हम देखते हैं कहीं भी, हम क्या करते हैं, वहीं से गंगा पानी को लेकर के हम आचमन करते हैं। इसलिए जैसे गंगा पानी अपना ब्रह्म कर्तृत्वपन को कहते, गंगा है क्या, गंगा को नहीं, बल्कि श्री वामन देव का एक चरण जब जाकर के ब्रह्म लोक में पहुंचा, जब ब्रह्मा जी उनके चरण को धो करके कमंडल में जब रखे, वही पानी श्री पतित पावन श्री गंगा है। इसलिए ये गंगा कोई साधारण जल नहीं, ये गंगा ब्रह्म द्रव्यत्व, जैसे भगवान के बराबर ये गंगा है, ठाकुर जी की ये चरणामृत है। इसलिए गंगा में जैसे साधारण उसमें रहने पर भी, लेकिन जैसे वो पानी अपना पवित्रता को नहीं छोड़ता है और उसको कहीं भी आचमन लो, गंगा पानी अपना फल प्रदान करेगा। उसी तरह यदि जो भगवान की जो भक्ति करने वाले जो संत हैं, जो वैष्णव है, उनकी कोई विकृति चीज को देख करके पीड़ा मत किया करो। देखो एक समय क्या हुआ, पंच पांडव ने यज्ञ किया,
पंच पांडवों ने यज्ञ किया। जब यज्ञ किया कितने में यज्ञ की जब पूर्णा होती होती है वहां पर एक घंटा बंधा हुआ है, बैल बंधा हुआ, फिर वो अपने आप बज उठती है, वो अपने आप बज उठती, जब बजेगा फिर पता चलता है हम जो यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ का फल वही होगा, वो घंटा अपने आप बजेगा। लेकिन यज्ञ की पूर्णा होती हो गई लेकिन वो घंटा बजी नहीं। बोले भैया क्या बात है, घंटा बजी नहीं थी, क्या कारण है? बोले ये द्रौपदी ने अपराध किया, द्रौपदी ने अपराध किया। बोले किसकी चरण में? बोले किसी साधु की चरण में उन्होंने अपराध किया। बोले भैया कौन सा साधु की चरण? और नियम है वो यज्ञ तभी पूर्ण होती है, तभी यज्ञ पूर्ण होगी जब यज्ञ के लास्ट में किसी शुद्ध वैष्णव को जो भोजन कराओ। जब वैष्णव भोजन करे, वैष्णव का हृदय में भगवान का निवास है, इसलिए जब भक्त कोई संतुष्ट हो जाए, भक्त संतुष्ट हो गए मतलब भगवान संतुष्ट हो, तभी वो यज्ञ पूरी होगी। भले द्रौपदी ने किया अपराध क्या किया? बोले एक वैष्णव थे रैदास, रैदास एकदम देखने में इतने सुंदर नहीं और बड़े कुरूप है और पागल जैसे, बोले उनको लास्ट भोजन कराओ, अगर वो संत भोजन करेंगे ना पहले आपके यहाँ बज उठे। लेकिन बोले भैया एक साधु का भोजन कराएंगे, द्रौपदी ने क्या की बहुत सुंदर उन्होंने खाना बनाया, रसमलाई लटकी थी चमचम, राबड़ी, शाही पनीर, पालक पनीर, राजमा चावल, कढ़ी, सब्जी, इतने उन्होंने इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाया। साधु भोजन करेंगे ना, हैं साधु भोजन करेंगे, उन्होंने बढ़िया बढ़िया उसने खाना बनाया। अभी जब ये संतों को भोजन कराए तो संत ने क्या किया, वो जितने सारे बनाया था ना चमचम चाटनी खीर उन्होंने सबको इकट्ठे कर दिया, सबको उन्होंने पूरा मिला करके भोजन किया। इतने में द्रौपदी देख करके बोली ये कैसे साधु है, देखो जिन माताओं ने घर में खाना बनाते हो ना जैसे हम लोग कष्ट करके खाना बनाते हो, अगर कोई व्यक्ति एक एक चीज को जैसे चाटनी बनाया, शाही पनीर, बटर पनीर बनाया, अगर पति जिसको खाना खिलाते हो अगर वो अंगुल चाट चाट के खाए और बोले तुमने क्या सब्जी बनाया, कितने सुंदर तुमने सब्जी बनाया, देखा ना जिसने कष्ट करके बनाया ना वो खुश हो जाती है, मेरे बनाना सार्थक तो हो गया, उन्होंने बड़े आनंद से प्रीति से खाए और अंगुल चाट चाट कर खाए और बड़े तारीफ किया, वो खुश होते कि नहीं, खुश हो जाती है। इसलिए द्रौपदी सोच रही थी हमने इतने कष्ट करके अपने हाथों से इतने कष्ट करके चाटनी में क्या सब्जी मसला ले ली जाएंगे, शाही पनीर में क्या मसला, कढ़ी चावल में क्या मसला, राजमा मसला एक एक देकर बनाती है। और वो तभी प्रसन्न होती जब कोई व्यक्ति उसको प्रसन्न होकर के एक डिजिट वो खाए, जब तारीफ करे क्या सोचती है आज हमारे खाना बनाना हमारी सार्थकता हो गया। लेकिन उन्होंने क्या कि सबके सब एक साथ मिला दिया, सब उन्होंने मिला करके सब खा लिया तो द्रौपदी दुखी हो गई, इतने कष्ट करके मैंने संत सेवा के लिए बनाया और उन्होंने सब इकट्ठे मिला करके खा लिया। द्रौपदी तो दुखी हो बोली ठीक है कि भाई खाना इसको बोलते हैं, खाना भी इनको ठीक से नहीं आता है, इनको खाना भी ठीक से नहीं आता है, मन मन में उनके प्रति उनकी अनादर हो, अनादर किसी साधु के प्रति अगर तुम्हारी मन से भी अनादर हो गया ना ये अपराध बन जाता है, ये अपराध बन जाता है। इसलिए जो घटा था ना बेल था बजाई नहीं, बोले द्रौपदी ने अपराध की इसलिए बेल नहीं बजी। फिर द्रौपदी ने जाकर उनकी चरण में माफी मांगी, जब उनकी चरण में माफी मांगे संत जब प्रसन्न हो गए फिर बेल अपने आप बज उठी, बेल अपने आप बज उठी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं किसी साधु की जो शुद्ध रूप में भक्ति करते हैं, कभी उनकी कुरूपता देख करके, स्वभाव देख करके, कर्तव्यता देख करके, शरीर का कोई टेढ़ा चीज देख करके कभी अनादर मत किया करो। हमारे श्री जगन्नाथ दास भगवान महाराज तक 120 साल ना 30 साल तक जीता रहे एक संत,
उनका कमर ब्रत टेढ़ी हुई थी, कमर वो चल नहीं पाते थे। उनका एक सेवक था बिहारी, उनको एक टोकरी में रख करके सर पर लेकर के इधर से उधर इधर उधर चले जाते। लेकिन जब महाप्रभु का कीर्तन में नृत्य करते थे ना, तीन तीन चार चार हाथ छलांग लगा करके श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, श्री नित्यानंद प्रभु की, छलांग लगा लगा करके नृत्य कीर्तन करते थे। उनका कमर देखो एकदम टूटी हुई कमर है। इसलिए संतों की ये सब चीजों को देख करके अनादर नहीं करनी चाहिए। और संत का भजन करते करते कभी अगर कभी गलती हो जाए ना, भगवान के उनको दंड भी दे देते हैं। इसलिए गीता में एक श्लोक बताए, अभिचेत सुदुराचारो भजन्ते मां अनन्य भाग बोले साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित। इसका मतलब है अभिचेत सुदुराचारो, अगर कोई साधन भजन कर रहे हैं, अगर उनके अंदर में किसी कारण बसत हो, अगर कहीं दुराचार तो दिखाई पड़ी, कहीं माया में कहीं फंस गए ना, वो चीज को देख करके तो अनादर मत करो। देखो गुरु जी एक समय एक सुंदर कथा सुनाया करते, ध्यान देकर सुनो। एक समय दक्षिण में हैं एक साधु था, रोज श्री नारायण की वहां पर तो भगवान नारायण हैं, भगवान नारायण की सेवा करता था। उनकी सुंदर एक बगीचा थी, इसमें सुंदर सुंदर फल फूल तुलसी बड़ा सुंदर उसमें हरा भरा। वो संत क्या करता था, रोज रोज वहां से तुलसी फूल पर चयन करके लाता था, ठाकुर के लिए सुंदर फूल की माला बनाता था, भगवान नारायण की गला में पहनाया करता था। 24 घंटा प्रभु की सेवा में लगा हुआ था। जब लगा हुआ था, एक समय दो वैश्या थी, दो वैश्या थी। अभी वो दो वैश्या एक समय वो जहां पर वो साधु उस पर चयन कर रहा था और तुलसी, वो उधर से होते हुए निकल रहे थे। जब निकल रहे थे और वो जो साधु मन को निवेश करते हुए भगवान के नाम कीर्तन करते हुए तुलसी चयन फूल चयन कर रहे, इतने में जो दो वैश्या थी, एक वैश्या ने कहा, देखो ये साधु कितने अच्छे हैं, देखो कैसे भगवान की चरण में कैसे मन को लगा करके कैसे प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, तुलसी चयन फूल चयन कर रहे हैं, ठाकुर को चिंता में कैसे डूबे हुए हैं। लेकिन उसने एक छोटी थी एक बड़ी थी, जो छोटी थी वो बहुत ही सुंदर थी वो वैश्या। इतने में उसने बोले, हम ऐसे बहुत सारे साधुओं को देखा है, वो तब तक ये साधु जब तक मेरे तरफ में देखा नहीं, एक बार मेरे तरफ में देखा ना बड़े साधु भक्त सब भूल जाएंगे। लेकिन जो बड़ी बहनी थी बोली नहीं, जो बड़ी थी बोली नहीं, तो साधुओं को नहीं जानती हो, ये कितने भगवान की भक्ति भजन करते हैं, देख तुमको ये संतों की महिमा पता नहीं। और वो जो दूसरी थी बोले, अरे ऐसे बहुत सारे संतों का हमने देखा है, ऐसे दौड़ते हुए संतों का हमने देखा है, वो तब तक साधु जब तक मेरे तरफ। अभी दोनों में तो लड़ाई होगी, वो लड़ाई होगी दोनों में। एक ने जो बोली, बोले अगर मैं उसको गिरा दू तो बड़ी उसको जो और थी बोले, अगर गिरा नहीं पाई तो बोले उसको गिरा दे तो बोले गिरा करे दिखा दे, बोले गिरा दो तो क्या करो, तो बोले तुम्हारी जिंदगी भर की तुम्हारी दासी बन जाओ, अगर उसको माया में फंसा दो बोले ठीक है तेरे को दिखाता। इतने में रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही और उसने नाटक की, क्या नाटक की, एक पतला कपड़ा पहन गिर गया जान बुझ करके, आप उधर से गुजरते हुए जा रहे थे और जान बुझ करके कोई कोई पतला कपड़ा पहने, बारिश ही हो आप देखना वो क्या होता है, कपड़ा शरीर में चिपक जाती है। इतने में वो जान बुझ करके वो बाबा जहाँ पर बगीचा में तुलसी फूल चयन कर रहे थे ना, वो जान बुझ कर धराम कर गिर गए और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दी, बचाओ कोई हो तो बचाओ, मैं मर रही हूँ बचाओ। इतने में वो संत फूल चयन कर रहे थे, तुलसी चयन कर रहे थे, उसने देखा किसी लड़की की आवाज, बोले आवाज करने दो, ये लड़की से हमारे संतों से क्या मतलब है। लेकिन वहां पर कोई नहीं, हुआ अकेला है और वो जोर जोर से चिल्ला रही, बचाओ बचाओ मैं मर रही हूँ। अभी संतों का हृदय कोमल भी होता है ना, कितना संत हृदय नव नीत समाना। अभी अभी उसका हृदय तो
निगलना शुरू कर दिया। चित्कार सुनते सुनते पहले तो नेगलेक्ट कर रहा था, छोड़ो हम लड़की से क्या मतलब है, अभी उसको और सहन नहीं हुआ। इतने में वो संत वहां से आए और देखा वो चटपट चटपट नहीं करो नाटक कर रही थी, हाँ वो छटपट कर रही थी। उसने क्या किया देखा तो मर जाएगी, वो बहाना कर रही थी मरने का। उसने कंडा जलाया, कंडा जला कर तो शरीर को उसने सगवाया शरीर को, और जब थोड़ी सी जब सुस्त हो गया ना, सुस्त हो गया तो बोले तुम घर में चले जाओ, बोले मैं जा रही, बोले बाबा आप अगर नहीं होते ना आज मैं मर जाती, आज मैं मर जाती। अभी उसने एक बार उनका रूप को देखा कि माया है ना, इसलिए कृष्ण गीता में कहते दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुर्दया, दैवी माया है, बड़े बड़े व्यक्तियों को पछाड़ दी है माया, इसलिए कहते साधु सावधान, इसलिए कहते ना साधु सावधान, माया से सावधान रहो। हैं इतने में वो क्या करती है, जान बुझ करके बिना काम से ना उधर से घूम गुजरती है, और बाबा को बोले बोले बाबा राम राम बाबा राधे राधे। अभी वो नहीं जाने पर भी अभी उसका मन धीरे 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 चलने लग गया, और वो जान बुझ कर क्या करती है, कोई फल कोई मिठाई ना ला करके बाबा को दे जाता है, बोले बाबा आपकी वजह से मैंने बच गया। बस ऐसे करते 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 एक दिन उसको अपना माया में फंसा दिया। अभी ठाकुर को जो सेवा पूजा करता था, अभी ठाकुर का सेवा पूजा नहीं माया की सेवा पूजा करना शुरू कर दी, हैं माया की सेवा पूजा करना शुरू कर दी। मंदिर में जो प्रसाद होता ना छुपा कर उसको घर पे दे आएगी, कोई चीज होगा छुपा करके दे आएगी। ऐसे करते करते इतने बुरी तरह से उसने फंसा दिया। ठाकुर जी ने कहा भैया मेरे सेवक का क्या हो गया, पहले तो तीन बार मेरा नाम मेरा चिंता मेरी भक्ति करता था, अभी तो ये मेरी भक्ति छोड़कर माया की भक्ति में लग गया। ठाकुर ने देखा इसको दंड देना पड़ेगा, इसको दंड, बगैर दंड से इसे सुधरेगा नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, उसने जान बुझ करके ठाकुर जी का जो सोने की प्लेट सोने की कटोरी और जो ग्लास था ना, ठाकुर जी जान बुझ करके उसको लेकर के ना बस रख दिया, किसको बेसिया को घर में रख दिया। अभी हल्ला हो गया, ठाकुर जी के सोने के प्लेट और कटोरी ग्लास चोरी हो गई। राजा बोले चोरी कैसे हो गई, उसने सियाइट लगा दिया, देखो इसको घर में। अभी ढूंढते 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 ये सारी चीज मिला वो बेस्या घर में। भैया ये बेस्या घर में ठाकुर के प्लेट की कटोरी थाली आई कैसे, पर सियाई ने देखा भैया चक्कर क्या है, देखा वो जो पुजारी था मंदिर का वही वहीं पर आता जाता रहता है, वही आता जाता रहता है। पता चला इसने स्वयं ठाकुर जी की सोने की ग्लास पतन लेकर के स्वयं कहां कर किया कि बेस्या घर पे रखा, और उसने हल्ला क्या मचा दी, ठाकुर का सोने की कटोरी ग्लास चोरी हो गई, हल्ला मचा दिया जानबूझ कर की। राजा बोले साथ लिया बैठ इसको जेल में बंद कर दो, ऐसे तुम बुरा काम करते हो, ठाकुर का सोने कटोरी चोरी करके हल्ला मचा दिया, चोरी बंद कर दो जेल। अभी साधु जेल में जेल में बैठ करके वही पर भगवान भजन करना। अभी इतने दुखी इतना दुखी हो गया, बोले हे भगवान कहां मैंने पहले कितने भगवान का कथा नाम भजन करता था, कहां भक्ति करता था, और मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना कामे का भी जेल में बन गया। अभी तो रोने लग गया, दुखी हो गया, बोले ठाकुर जी कहां मेरी अपराध हो गई है, कहां तेरी भजन छोड़ करके भक्ति छोड़ करके कहां मैंने ये माया में फंस गया, अगर ये माया में नहीं फंसता तो आज अब जेल में बिताना मेरे को नहीं पड़ता। अभी जेल में बैठ करके दिन रात क्या करता है, भगवान का नाम लेता है, रोता है, ठाकुर जी मेरे अपराध को माफ कर दो, मेरे अपराध माफ कर दो, मेरी अपराध हो गई, कभी कान पकड़ता हूँ, कभी ऐसे गलत काम कभी मैं नहीं करूंगा, मेरे माफ कर दो। जब खूब रोए ठाकुर जी चरण में, ठाकुर जी ने देखा अभी सुधर गया, अभी ये सुधर गया है। इसलिए ठाकुर जी फिर स्वप्न दिया राजा, बोले महाराज ये जो साधु है ना ये कहीं माया में फंस गया, और ये मेरे भजन पूजा भक्ति छोड़कर माया की
पूजा भक्ति सेवा में लग गया था, इसलिए मैंने उसको सुधारने के लिए मैंने ये काम किया। ये साधु की दोष नहीं, मैंने ही उसको घर में ये सोने की कटोरी गिलास और थाली मैंने रख दिया, जहाँ वो साधु को मुक्त कर दो। फिर उसको महाराज आकर माफी मांगी, ठाकुर जी मेरे को ये स्वप्न दिया और ऐसे ऐसे बात बताया। फिर वो संत ने साधु सावधान, फिर सावधान होकर के फिर भगवान का नाम कीर्तन भजन पूजा में फिर लग गया। इसलिए गुरु जी ये कथा सुनाया करते थे, हमारे बड़े गुरु जी ये कथा बीच बीच में सुनाया करते थे। देखो सावधान रहो, नहीं तो जेल में जाकर के भक्ति छोड़कर जेल में बिताना पड़ेगा। पिछले माया से सावधान रहो और घर बार छोड़कर भजन करने के लिए आए हो, भगवान की भजन करो। क्यों? ये जीवन भगवान बार-बार नहीं देते हैं, ये जीवन बार-बार। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि ये माया तो तुम्हारे लिए ये तो है ही है, ये तुम्हारे लिए तो माया हर जीवन में, जिस जीवन में आओगे हर जीवन में विषय तो भोग करते करते आए हो। ऐसे कौन सा जीवन नहीं जिस जीवन में कुत्ता बने तो कुत्ती मिलेगी, सुअर बने तो सुअर ही, गधा बने तो गधी। कौन सा जीवन में तुमने ये काम नहीं किया? हर जीवन में भी यही करते करते आए हो, सब छोड़कर भेजने के लिए आए। ये तुम्हारे लिए रिजर्व है, हर जीवन में रिजर्व है। लेकिन एक जीवन में क्या करो, ये चीज को बंद करो, बंद करके क्या करो, भगवान की भजन करो। अगर एक जीवन अगर माया में चली गई उसको भोगने के लिए फिर 84 लक्ष्य जोनी फिर तुमको भटकना पड़ेगा, 84 लक्ष्य जीवन फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव ब्रह्मचारियों को सावधान करते थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर कभी कभी ऐसे भगवान जीव को सुधारने के लिए दृष्ट ही स्वभाव जनित ही, अगर कभी कभी कोई व्यक्ति फंस गया अगर माया में है ना, अगर सच दिल से पुकार तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसको माया से निकाल देते, माया से निकाल करके फिर उसको भगवान की भजन में लगा देते हैं। इसलिए गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं अगर किसी साधु से इसे दिखाई पड़े ना, क्या करो, उसको निंदा मत करो, उसको निंदा मत करो। क्यों? फिर ठाकुर जी उनको वो गंदी चीज से, माया से, फिर ठाकुर जी उसको निकाल करके फिर उनको भगवान की भजन में फिर ठाकुर जी उनको लगा देंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए रूप गोस्वामी हमें बहुत अच्छी 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 उन्होंने शिक्षा दी। आज और एक श्लोक है, कहते वैकुंठ जनित बड़ा मधुरी तथा विरासत सब। कहते ये श्लोक में हमारे यहाँ पर प्रभु जी बैठे, छोटे प्रभु जी आज उन्होंने तैयारी करके आए हैं। श्री रूप गोस्वामी उस श्लोक में क्या बोलते हैं है? बहुत अच्छी बात बताते हैं। इसी श्लोक में हम तो प्रभु की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में भी कौन सा भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है? भगवान की बहुत धाम है, वैकुंठ धाम भी भगवान की, अयोध्या धाम भी है, मथुरा धाम भी है, द्वारका धाम भी भगवान की, वृंदावन धाम भी ठाकुर जी को, श्वेत द्वीप भी भगवान की है। भगवान तो बहुत धाम, ठाकुर जी का अलग अलग धाम है, लेकिन होने पर भी लेकिन ये सारे स्थानों में ये सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या है? भगवान की सर्वश्रेष्ठ स्थान और भगवान की सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है? श्री रूप गोस्वामी ने ये श्लोक में बहुत अच्छे तरह से बताया। अभी वो श्लोक वो ये प्रभु जी बोलेंगे कि श्लोक में श्री रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं। जी नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम।
हरे भजन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमारत संगुरुराज ब्रह्म विष्णु पार्वती सदगुरुचरण अष्टत्र सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री सुदेव सिंह महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ध्यान में सचिन जानकी की बैठक में प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुभव गौड़ीय गुरु परंपरा उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तवृंद सभी के चरण कमलों में श्री उपदेशामृत ग्रंथ जो श्री रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा रचना हुआ है, इस ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने सर्वश्रेष्ठ वस्तु अंतिम श्लोक में बताएंगे कि जो पृथ्वी में सारा विश्व में ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है और उसी को प्राप्ति करने के लिए धीरे 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 ब्रह्म पंथा में सर्वप्रथम बोले कि वाचो वेगम मनसोद वेगम, किस प्रकार आपने जो सड़ वेग्रह इसको नियंत्रित करना है। फिर बोलेंगे जो जो सारे भक्ति के प्रतिकूल चीज है उसको छोड़ो, हत्याहार प्यार शस्त्र ज्यादा वस्तुओं के सामग्री और प्रजल ये सब छोड़ो, लोलियम लोभ छोड़ो, फिर जनसंग अर्थात विषयी व्यक्ति कर्मी व्यक्ति का संग भी छोड़ो। फिर तृतीय श्लोक में बोलते हैं कि उच्चा निश्चय ध्वजा तब तक कर्म होता कि भक्ति में जो संकल्प क्या क्या करना है कि हर समय उच्चा रखना है कि भगवान अवश्य एक दिन कृपा करेंगे मेरी सहायता मेरे साधन रखते हो या ना हो, इस प्रकार उच्चा रखो धैर्य रखो निष्ठा रखो और वैसा वाला कर्म प्रवर्तन तब तक कर्म प्रवर्तन। फिर चौथा श्लोक फिर ऐसे करते 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 ब्रह्मांड पंथ में इस प्रकार हम उस वस्तु के सर्वश्रेष्ठ वस्तु राधा कुंड में उसी राधा कुंड में इस प्रकार हम स्थान मिले उसी को बताते हैं। इस पूर्व हमने एक श्लोक सुना था सुना था कि उसमें कहता है कि तन्नाम रूप चरितादि सुखी तन्नाम स्मृत्य प्रमेण रसना मनस्य बीजस्य तिष्ठं व्रजे तद अनुरागी जनान कामी कालम नये अखिलम इति उपदेश सार। कि हमें जो है किस प्रकार हमें अपने काल को व्यतीत करना चाहिए, बोलते ये जो ये समस्त उपदेश का सार है। ये आठवां श्लोक का प्रश्न बोले थे कि तन नाम रूप चरित आदि सुखी तन नाम कि क्रम रूप में भगवान के तन नाम अर्थात तद वस्तु बोले तो भगवान तद वस्तु भगवान के नाम, फिर नाम से फिर रूप फिर चरितादि स्मृत्य क्रमेण रसना मनसि सर्वप्रथम अपनी जीवा में फिर मानसिक रूप में इस प्रकार हम भगवान के नाम गुण आदि में अपने मन को विजय कर और तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनांतर और कहाँ रहना चाहिए ब्रज में। कहते थे कि ब्रज में वास किस प्रकार होता है, दो प्रकार की, एक शारीरिक रूप में अगर संभव है शारीरिक रूप में ब्रज में वास करना तो कर सकते हैं, नहीं तो मानसिक रूप में तद अनुरागी जनांगामी कालम नायतिलम यही समस्त उपदेशों का सार है। और इससे जो अगला वाला जो श्लोक है कहते हैं ब्रज में तो कह दिया परंतु ब्रज में भी अनेक अनेक स्थान है, उस ब्रज में भी कौन से स्थान में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वहां पर बसवास करके भजन करना चाहिए। कहते हैं वैकुंठ जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासश्च भाव वृंदारण्य उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम निवावती गोकुल प्रदेश प्रेम कुरियाद अस्य कहते हैं वैकुंठ जनी तो बड़ा मधुपुरी वैकुंठ मानते हैं वैकुंठ क्या है वहाँ पर वहाँ कोई किसी प्रकार की उठा धर्म है नहीं। वैकुंठ में साक्षात लक्ष्मी जहाँ पर बड़े संभ्रम भाव से गोविंद की भगवान नारायण सेवा करते हैं, चतुर्भुज नारायण है, समस्त प्रकार ऐश्वर्य वहाँ पर विराजमान है। वैकुंठ से भी ये ब्रज श्रेष्ठ है, वैकुंठ जनी तो बड़ा मधुपुरी बड़ा अर्थ श्रेष्ठ है मधुपुरी तथा मथुरा मंडल वैकुंठ से भी मथुरा मंडल श्रेष्ठ है। वैकुंठ में क्या है, वैकुंठ में जो प्रमुख जो बारह रस हैं उसमें से जो प्रमुख बारह रसों से सात गौण रस और पांच मुख्य रस हैं। पांच मुख्य रस क्या क्या है ना संत दस्य सख्य वात्सल्य और मधु, उस पांच रस से जो वैकुंठ में संत और दस्य
ये दोनों विराजमान है, परंतु पूर्ण रूप में शांत दस्य सख्य भी है आधा रूप में, संपूर्ण आकार में नहीं है। और वहां पर लक्ष्मी के जैसे ना बड़े संभ्रम भाव से गोविंद की तो नारायण की सेवा करते हैं, बोलते उसने श्रेष्ठ को निपुण कहते हैं कि वैकुंठ से भी बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा था श्रेष्ठ क्या है ना मधु मधुप्रिय अर्थात मथुरा मंडल। इस मथुरा मंडल क्यों श्रेष्ठ है, यहाँ कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्ण कैसा है ना, कृष्ण अजन्मा है, कृष्ण कैसा है ना अजन्मा है, पर अजन्मा होकर भी ये मथुरा मंडल ने जन्म ग्रहण किया, इसलिए मथुरा मंडल क्या है ना श्रेष्ठ है। और बड़ा मधुप्री तत्रापि राक्षस्त्र भाव, तत्रापि राक्षस्त्र भाव, और उसी से भी मथुरा मंडल से भी श्रेष्ठ क्या है ना वृंदावन। मथुरा में भी वहां पर नंद बाबा, देवकी माता, वसुदेव आदि कृष्ण को क्या अपने पुत्र तो मानते हैं, परंतु उसमें भी उनका क्या है ना कृष्ण भगवान है ऐसा वाला भाव है। ऐश्वर्य मिश्रित वहां पर जो सारे वात्सल्य भी है और बाकी जो सख्यादि है उद्धव आदि जो है वहां पर होने पर भी वो समस्त ऐश्वर्य मिश्रित है। अर्थात जब जब कृष्ण जब बंदीशाला में देवकी माता और वसुदेव को जमशेदपुर उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिया, तब से उनको उनके मन में ये भाव बैठा है कि कृष्ण क्या है, कृष्ण भगवान है। जब वसुदेव महाराज कृष्ण को जब लेकर जा रहे थे वृंदावन नंद बाबा के घर में, तब क्या हुआ ना सारा जमुना बाग भर गई, पर फिर भी जो वसुदेव महाराज का यह विश्वास था कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे लेकर छोड़ के आओ, उनको क्या भाव था ना भगवान, यद्यपि अपने पुत्र है परंतु क्या भाव था ना भगवान, उसमें ऐश्वर्य भाव है भगवान। जैसे भी ये बाढ़ हो गया, मेरे को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जमुना जी भर गए, इतने बारिश हो रहे, फिर उनका यही भरोसा था कि साक्षात भगवान ने कहा तो कुछ ना कुछ उपाय तो आ ही जाएगा, इस प्रकार उन्होंने आगे बढ़ने लगे। अतः यहाँ कहने का अर्थ यह है कि वसुदेव के अंदर भी क्या है, वसुदेव और देव के अंदर ये कृष्ण का अपना पुत्र भाव है परंतु उसके साथ भगवान वाला भी भाव है, अर्थात वहां पर ऐश्वर्य मिश्रित सारे वात्सल्य और सख्यादि है। कहते हैं उस मथुरा मंडल से भी श्रेष्ठ कौन सा है ना वृंदावन, क्यों, क्योंकि वृंदावन में ही एकमात्र रासलीला हुआ है। जय जय रासलीला सर्व रस सार, ये जो रासलीला ये सर्व लीला से सार लीला है, सर्वश्रेष्ठ लीला है। इस वृंदावन में ऐसा कोई स्थान नहीं है कृष्ण जहाँ पर आपने चरण कमल स्थापित नहीं किया, ऐसा कोई पेड़ नहीं है जहाँ पर कृष्ण ने उस पेड़ में चढ़ा नहीं हो। हाँ, और जमुना जी हर्ष में कृष्ण जमुना जी में कितने सारे लीला किए हैं, समस्त वृंदावन में समस्त जो वृक्षलता होता है समस्त कृष्ण के प्रति बहुत अनुराग है, इसलिए वहां पर वेणुगीत में श्लोक कहते हैं कि वृंदावन भूमि सखी विजन प्रकृति यत्र देव किशुत पदां सुजल लक्ष्मी गोविंदम अनुमत गोविंदम वेण अनुमत मयूर नृत्यम देख्यादि देख्यादि साम अभिरत अन्य समस्त सत्वम। ये कहते हैं एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, जब कृष्ण जब गोचरण के लिए जाते हैं तब एक सखी दूसरे सखी से कहती है क्या ये है सखी, ये जो वृंदावन है इस सारा भुवन में सारा ब्रह्मांड में बहुत श्रेष्ठ कीर्ति को स्थापन करता है, क्यों ना यहाँ पर कृष्ण क्या करते हैं अपने दाऊ जी के साथ और सारे पशु जो अपने गोचारण के साथ यहाँ पर गो माया के साथ गोचारण करते हैं। और जब कृष्ण वन के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके जो वेण सुनकर क्या करते हैं सारे मयूर अत्यंत आनंद से नृत्य करने लगती हैं। गोविंदम वेण अनुमत मयूर नृत्यम प्रेक्षा समझित है। और इस प्रकार जो अन्य अन्य जो जीव जंतु हैं हिरण आदि जब ये सब जो वेणु सुनते हैं वैसे ही स्तब्ध होकर रह जाते हैं, माना कि उनके अंदर प्राणी नहीं है। तो कहते हैं इस वृंदावन कितने बड़े स्वभाव को विस्तार करता है क्योंकि साक्षात कृष्ण यहाँ पर
रास लीला। उसके ऊपर उसके बाद में बोलते हैं गोवर्धन, ये उसके बाद बोलते हैं क्या, उसके बाद वृंदारण्य उदारपाणि रमणात् तत्रा भी गोवर्धन, और उससे भी श्रेष्ठ क्या है ना गोवर्धन, वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। क्यों ना यहाँ पर कृष्ण अनेक प्रकार श्रेष्ठ श्रेष्ठ लीला भी किया है। ये वृंदावन ये जो गिरिराज जी का महिमा तो बहुत ज्यादा विस्तृत है, साक्षात वो क्या कहते हैं क्या हरिदास वर्य, कि हरिदासों में जितने सारे हरिदास हैं सेवक हैं सर्वश्रेष्ठ सेवक कौन है गिरिराज जी, क्योंकि गिरिराज जी समस्त प्रकार की सेवा करते हैं कृष्ण के, समस्त प्रकार की कृष्ण और बलदाऊ उनके समस्त प्रकार की सेवा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमता अति बड़ा हरिदास वर्य यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनसी सह गोवण पानीय सूर्य से कंदर कंदर कि अरे गोपी एक सखी दूसरी सखियों कहती हैं अरे हे सखी ये जो गोवर्धन है ऐसे हाथ इंगित करके कहती हैं ये जो अरे सखी ये जो गिरिराज जी हैं कैसे हैं हंता अति बड़ा हरिदास बोलिए ये हरिदास अर्थात जितने सारे भक्त हैं हरिदास तीन हरिदास हैं एक तो कहा जाता है युधिष्ठिर महाराज जी को हरिदास कहा जाता है और दूसरे हैं उद्धव जी और तीसरे जो सर्वश्रेष्ठ हरिदास गिरिराज जी क्योंकि साक्षात राधारानी साक्षात राधारानी ने इनको ये मान्यता दिया है कि ये जो गिरिराज जी क्या है हरिदासों में समस्त हरिदासों में बड़ी अर्थात श्रेष्ठ है। कहते हैं ये जो गिरिराज जी है ये समस्त प्रकार के कृष्ण को सेवा करते हैं। इनके जो गिरिराज जी ऐसे तो शिला क्या होते हैं कठिन होते हैं जब हाथ लगाते हैं रूखा बनाते हैं, परंतु ये जो गिरिराज जी अत्यंत कोमल स्निग्ध है, जब कृष्ण के चरण कमल इनके वक्षस्थल के ऊपर पड़ता है तो उनके सारे रोग रंग ठीक होते हैं और उनके हृदय जो गद द्रवीभूत हो जाता है और जल के रूप में जो धारा होता है उसको हम मानसी गंगा कहते हैं जमुना जी कहते हैं। तो इस प्रकार बोलते हैं इस गिरिराज जी से भी श्रेष्ठ कौन सा है ना राधा कुंड, तथा इस जो राधा कुंड है यहाँ पर साक्षात कृष्ण ने यह आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर जो भी स्नान करेगा उसको तो क्या होगा राधा के हृदय में जो प्रेम है वो प्राप्त होगा। इतना कहकर राधा कुंड की जय, गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राधे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ये जो श्लोक प्रभु जी ने कल्पना किया है यद्यपि सब भगवान का धाम है लेकिन भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ धाम श्री बोलोग वृंदावन ये सर्वश्रेष्ठ धाम है और उसका अंदर है श्री गिरिराज गोवर्धन। ये गिरिराज गोवर्धन कौन, ये कृष्ण स्वयं, ये कृष्ण का स्वयं रूप श्री गिरिराज गोवर्धन और उनमें भी श्रेष्ठ किया है श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड। राधा कुंड श्याम कुंड क्या है, क्या ये गिरिराज गोवर्धन के दो आंखें, जैसे एक व्यक्ति को देखो ना एक व्यक्ति सुखी ना दुखी पता कैसे चलेगा उसका आंखों को देख कर, अगर वो व्यक्ति सुखी होना बड़े प्रसन्न से देखता हुआ होगा और दुखी हो तो मुंह उसको लटका हुआ होगा आंखों से आंसू बहता हुआ होगा। इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज की दो आंखें और श्री राधा कुंड श्याम कुंड में यदि राधा कुंड श्याम कुंड है कौन, बोले ये कुंड नहीं ये राधा रानी स्वयं श्री राधा कुंड रूप में प्रकट हुई। बोले कृष्ण कुंड कौन है, बोले ये कृष्ण स्वयं ये कुंड रूप में प्रकट हुए, ये कुंड नहीं ये राधा कृष्ण दोनों का ये जुगल और उसका जो बीच में देखना राधा कुंड से आप गए हो कौन कौन गए हो इसको देखना, उसका जो बीच है ये राधा कृष्ण का जैसे मिलन है जैसे उनकी संगम है ये संगम स्थल श्री ये बीच स्थल श्री संगम स्थल। इसलिए भगवान की जितनी मधुर से मधुर विशेष करके राधा कुंड श्याम कुंड में ठाकुर जी की विशेष पांच लीला हुई। बोले कौन सा क्या, तो वहां पर ठाकुर जी जल विहार करते रास को लास्ट में कृष्ण जल क्रीड़ा करते हैं, फिर वहां पर नौका विलास करते हैं, वहां पर राधा कृष्ण की झूलन लीला होती है, वहां पर राधा कृष्ण की कुंज लीला होता है, वहां पर राधा कृष्ण मधुपान करते हैं,
इसलिए भगवान की सबसे जो मीठी मीठी लीला श्री राधा कुंड श्याम कुंड में होता है, इसलिए पृथ्वी का जो सर्वश्रेष्ठ स्थान माना, सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा? श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड। श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। एक कीर्तन कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी हम चैतन्य चरितामृत से थोड़ी सी कथा सुन लेंगे, ठीक है? बोल दो माइक दे दो, उसको माइक दे दो, एक भजन गा आओ। कौन सा था? हरे कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा Krishna
श्री रूप गोस्वामी को प्रयाग में जो उनको शिक्षा दिया है उसका नाम श्री रूप संख्या है। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे, किसको याद है वो प्रयाग, किसको याद है दो लाइन, दो जो लाइन किसने किस लिए याद किया बोलो, क्या दो लाइन थी, ताली हो जाए बोलो क्या थी, दो लाइन याद नहीं हो गई, ये दो लाइन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भगवान स्वयं ये दो लाइन में बहुत कुछ उसमें भर दिया, ये दो लाइन हम लोग कल ये दो लाइन की कथा को सुन रहे थे, दो लाइन का इसका मतलब बता सकते हो, इसलिए इसका मतलब आज कौन बता सकता है, मैंने कल बता दिया था, इसका मतलब क्या बता सकते हो संजय, तो बता सकते हो, बताओ इसका दो लाइन का मतलब क्या, उसको माइक दो, अब फिर इसके आगे की कथा सुनेंगे, ये दो लाइन का मतलब आप सुनिए, हरे कृष्णा, ये दो जो ये बांग्ला प्यार है बड़ा ही अद्भुत ये प्यार है, इसके अंदर संपूर्ण शिक्षा इस दो प्यार के अंदर में महाप्रभु ने कहा है, इसमें बताया ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, इसमें बताया ब्रह्मांड भ्रमित, ये ब्रह्मांड भ्रमित शब्द का यहाँ पे स्मरण क्यों है, तो बताया कि भाई ब्रह्मांड जो अनंत कोटि है ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर कितने अरबों खरबों अनंत कोटि जीव है जिनकी कोई गिनती नहीं, जिनकी कोई गिनती नहीं, मैंने स्वयं देखा जब हम स्कूल में थे प्रैक्टिकल करते थे, जब दही होता है ना दही, दही को एक स्लाइड पे लेकर के जब उसको माइक्रोस्कोप से देखते, केवल एक बूंद दही के लेते, एक बूंद उसमें अनगिनत उसमें ऐसे ऐसे जैसे भिनते हुए इसमें जीवाणु थे, अभी देख लो तो दही खाओगे नहीं, इतने अनंत कोटि उसके अंदर में जीव,
सोचो ये विश्व ब्रह्मांड में कितने जीव है, दही की एक बूंद में इतने जीव है, तो सोचो कितने कितने जीव होंगे। जो दिखने होंगे तो बात ही छोड़ दो, अनंत कोटि, जैसे गुरु जी ने बताया कि कितने प्रकार की बताना, हाँ, पानी में रहने वाले जीव, जमीन पर रहने वाले, स्थावर, चलने वाले, चलने वाले, बिना चलने वाले, चार पैर वाले, जमीन पर रहने वाले, पानी में भी रहने वाले, जमीन पर भी रहने वाले, कई प्रकार के जानवर। उसमें बताया कि कितनी कितनी योनियां हैं, हमारे ही शास्त्र केवल बताते हैं कि 84 लाख एक गण में, कितना 84 लाख। साइंस अब तक पता नहीं कहां तक पहुंचा, भगवान जाने, लेकिन हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले से बोला है कितने योनियां हैं, 84 लाख। ये 84 लाख और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूमते 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 बड़ी ही कठिनाई से ये मनुष्य जन्म मिलता है। ये मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म। लेकिन बताइए ये मनुष्य जन्म कैसे मिले? ये मनुष्य जन्म ऐसे नहीं मिलता, कितने कितने जन्मों के पुण्य कर्म और कितने कितने जन्मों के हमारे अच्छे अच्छे कर्म है, उसको ले करके ये मनुष्य जन्म हमको मिलता, ये मनुष्य जन्म हमको मिलता है। इसलिए बोला ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव है, ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यहाँ पे दो शब्द का इस्तेमाल है, ये भक्ति लता बीज बोले, लेकिन उसमें बोला गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यहाँ पर जो प्रयोजन वस्तु है बोला भक्ति लता का जो बीज, भक्ति लता का जो बीज, ये जो राधा कृष्ण की जो सेवा है महाप्रभु का अनुगत्य में, ये वो भक्ति लता का बीज, ये बीज जो गुरु जी होते हैं इस बीज को प्रदान करते, इस बीज को प्रदान करते। क्यों? ये जो गुरु जी है परंपरा में हमारे शास्त्रों में बताया कि चार ही प्रमाणित संप्रदाय, श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनक, ये चार प्रकार के संप्रदाय हैं। इन संप्रदाय में जब हम आते हैं तब हमको शुद्ध वैष्णव द्वारा जो बीज प्राप्त होता है उसी के ही कारण, उसी के ही अंतर में, मतलब उसी के ही अनुगत्य में हम ये भक्ति को पालन कर सकते हैं। इसलिए बताया गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, लेकिन यहाँ पे मुख्य बात बताई कि गुरु की कृपा से ही भक्ति लता बीज हमको मिलती है। गुरु कृपा के बिना ये भक्ति लता हमको मिलेगी नहीं, हम गुरु कृपा के बिना भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए बोला गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगल, ये गुरु की कृपा से ही ये भक्ति हमको प्राप्त हो। लेकिन बताया गुरु कितने प्रकार है, बोले चार प्रकार के गुरु बताए, चार प्रकार के गुरु बताए। सबसे पहले गुरु बताए हमारे पथ प्रदर्शक गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु उनको बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जो हमको भगवान की भक्ति में जोड़ते, जो हमारा मार्गदर्शन करते, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु। दूसरे गुरु बताए दीक्षा गुरु, जिन गुरु जी से डायरेक्ट हम ये भक्ति लता बीज को प्राप्त करेंगे, भगवान की भक्ति मंत्र रूप में, ये बीज को मंत्र रूप में गुरु जी के मुख से हम लोग प्राप्त करेंगे, वो है हमारे दीक्षा गुरु। तीसरा बताया शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु उनको बताया जिस भावना में हमारे गुरु जी भक्ति करते हैं उस ही भावना में वो भी ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, लेकिन हमें भजन में आगे बढ़ाते हैं, गुरु जी के अभाव में हमें भजन में आगे बढ़ाते हैं, हमें उत्साह देते हैं, उनको बताया शिक्षा गुरु। और चौथे बताए कि चौथे में ही रहस्य है कि गुरु कृष्ण क्यों बने। चौथे में बोला कि चौथे गुरु कौन है, चैत्य गुरु। बोले चैत्य गुरु कौन, बोले अंतर्यामी जो परमात्मा है भगवान स्वयं चैत्य गुरु। इसलिए बोला वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण ही जगत गुरु है, क्योंकि ये जो गुरु के कृपा से तो भक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये शुद्ध गुरु कैसे मिलेंगे, शुद्ध गुरु मिलना तो बड़ा कठिन है। सब जगह जाओ, सब जगह कितना फ्रॉड दुनिया में हो, सब लोग कितने दुखी, बड़े अपने कष्टों को लेकर के सोचते हैं कि जो टीवी में शायद जो बाबा है या जिनसे हम मिल गए, कि काश इनके पास हम जाएंगे, हमारी बात को बोलेंगे, हम भजन करेंगे तो क्या हमें सुख मिलेगा। लेकिन फ्रॉड गुरु के पास जाने सुख तो क्या, उल्टा नरक का द्वार एकदम स्पष्ट हो जाता है, एकदम सीधा द्वार, सीधा नरक में लेकर के जाएगा। इसलिए बताया कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, लेकिन बताते हैं कोई कोई व्यक्ति जो बड़ा ही सुकृतिवान, बड़ा ही सुकृतिवान है, वो ही कृष्ण की भक्ति, बड़ा ही सुकृतिवान। इसलिए भगवान ने गीता में बताया चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृत नरके, सुकृतिवान और आर्थ अर्थात, आर्थ अर्थार्थी और ज्ञानिश्च भजन्ते। बोला जो चार प्रकार के जो लोग बताए कब भजन करेंगे कृष्ण का, जब वो सुकृतिवान होंगे, और अनंत कोटि जन्मों की सुकृति जब इकट्ठा होती है तब जाकर के हमको
ये गुरु और कृष्ण का सानिध्य में, पर कैसे ये सुगंधि कैसे मिलती है? गुरु जी ने बड़ी सुंदर सुंदर कई सारी कथा बताई, जैसे जाने अनजाने भगवान का प्रसाद वाले, या जाने अनजाने कभी किसी ने कोई दोस्त के साथ में गए या किसी के साथ में भगवान के धाम चले गए, गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली, जाने अनजाने कहीं आरती हो रही ठाकुर जी की तो ताली बजा ली, कभी अनजाने में नाच दी। इस प्रकार की जितनी भी वस्तु है इसको बोलते सुकृति। अनंत कोटि जन्मों की जब ये सुकृति इकट्ठा होकर के जब गाढ़ी हो जाती है, जब गाढ़ी हो जाती है, तब जा करके एक शुद्ध गुरु का संग हमको प्राप्त होता है। अभी ये जो हमको जो साधु संग प्राप्त हो रहा है ना, जब अभी हम बैठे हुए हैं, अभी हम लोग सब बैठे हुए, वो पिछले 7-8 दिन से ये जो साधु संग है ना, ये कोई साधारण वस्तु नहीं। अगर हमें ये साधु संग मिल रहा है, ये शुद्ध भक्ति की बातें हम बैठ बैठ के अगर सुन रहे हैं, तो हमें जरूर इस बात को मान लेना चाहिए दो लाइनों से प्यार से कि भगवान की हमारे ऊपर बड़ी ही कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है, और हम लोग कोई साधारण है, हम लोग बड़े पुण्यवान है, हम लोग बड़े ही सुकृतिवान है जो यहाँ बैठ करके कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि माता शबरी को भी राम जी ने जो बोला, पहली भक्ति जो बताई, बोला प्रथम भक्ति संग तन कर संग, ये जो साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लघु मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसलिए जो साधु संग हमको प्राप्त हो रहा है ये बड़े ही दुर्लभ वस्तु है, इसलिए साधु संग का हमें पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। जैसे गुरु जी जैसे जैसे बात को बता रहे उसको नोट करके हमारे हमारे जीवन में कैसे उतार पाए उसको। हम ये गुरु जी तो बीज देंगे ना, वो बीज रूप में देंगे, हर वस्तु को बीज रूप में देंगे, लेकिन बीज को माली क्या करता है? बोला माली है या सिंचन है? बोले महाप्रभु बोलते हैं बीज तो मिलेगा, लेकिन माली बन करके हमें उस बीज का पालन पोषण करना, हाँ उसमें से जब पत्ती आए उसकी रक्षा भी करना पड़ेगा, रक्षा करना पड़ेगा ना। अरे छोटा सा पौधा हो गया, उसको कोई गाय खा जाएगी, हाँ किसी के पैर में आकर भी टूट जाएगा, तो क्या करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, देखा ना उसके आसपास एक फेंसिंग लगा ताकि वो कुचल नहीं जाए। ये फेंसिंग क्या होती है? गुरु गोस्वामी जी ने बताया कि षडवीर भक्ति जिससे हमारी नाश हो जाती है, बताया ना कितना अच्छे अच्छे श्लोकों में बताया, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक गुरु गोस्वामी जी ने बताया ना, कि उसी के लिए बताया। हमारी बड़ी कृपा है कि गुरुदेव बैठ बैठ करके कथा हमको सुना रहे, पर हमारे लिए क्या होना चाहिए? हमारे लिए होना चाहिए, मतलब मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, ये होना चाहिए कि बातों को हम जीवन में उतारें, ये जो श्लोक है उनको सीख करके हमारे जीवन में उतारें। हरे कृष्ण। अभी यदि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव और गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, बड़े बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति को ये भक्ति को उदाहरण दिया, एक लता है लेकिन जब तक तो बीज नहीं होगा वो लता कहाँ से आए? इसलिए गुरुदेव क्या करते, जो श्रद्धा है और जो निष्काम भक्ति है, जो ठाकुर जी की प्रतियुक्त जो भक्ति रूपी बीज को, बीज भी अलग अलग बीज है, जैसे बीज बोगे वैसे ही वृक्ष होगा, लेकिन ये जो भक्ति रूपी जो बीज है जिसमें कोई ज्ञान कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का दूसरे अभिलाष नहीं होनी चाहिए, संसार की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, वो जो भक्ति रूपी बीज गुरुदेव हमें जो दिया मतलब हमारा हृदय एक जमीनी है, गुरुदेव वो जमीनी में बीज को बो दिया। अभी जब बीज को बो दिया फिर उसको बाद में क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं बोले माली हैया करे से ही बीज आड़ो पर श्रवण कीर्तन जले करे से च, गुरु जी से तो मंत्र ले गया, लेकिन अगर मंत्र लेकर के अगर माला अगर जहां था लटका लोगे, गुरु जी का दिवा हुआ अगर मंत्र जब नहीं करोगे फिर वो बढ़ेगा कैसे? इसमें क्या करनी चाहिए? उसमें पानी दो, उसमें पानी माली बन करके उसको पानी देनी चाहिए। चलिए पानी क्या है, यहाँ पर दो पानी बताया, एक श्रवण और एक कीर्तन। कि जो कथा हम सुन रहे हैं, ठाकुर जी कथा सुन रहे हैं, मतलब क्या? धीरे धीरे हमारी भक्ति की भावना धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे भक्ति बढ़ रही है, कथा सुने फिर उसको बाद में फिर कीर्तन भी तो करनी चाहिए। इसलिए घर में जाकर क्या करो, रोज ठाकुर का रोज टाइम से उठो, हरिनाम करो, तिलक लगाओ, तुलसी परिक्रमा करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, हैं थोड़ी सी गीता नहीं तो रामायण तो भागवत पढ़ो, रोज रोज भगवान की कथा सुनो। ये सब क्या है? ये पानी दे रहे, ये पानी दे रहे,
अगर पानी देगा तो क्या होगा, पहले उसमें एक अंकुर आएगा। जैसे पेड़ लगाए हो, कौन कौन जीवन में पेड़ लगाए, हाथ उठाओ, कौन कौन पेड़ लगा, उसमें पहले एक उसमें अंकुर आता है, फिर अंकुर के बाद में फिर क्या होगा, उसमें दो फिर पता निकलेगा, दो पत्ता। हमारी माधुर्य कागज इसको अलग सुनेंगे कि अंकुर क्या है, ये दो पत्ते हैं क्या चीज। देखना वो पत्ते में भी एक साइड देखना वो बड़े खसखस है, और दूसरे साइड देखना मुलायम है, ये खसखस किया और ये मुलायम किया, एक वैद्य भक्ति और एक राग भक्ति है, ये दो तरह का भक्ति है। अभी ठीक से पानी दोगे तो फिर क्या होगा, फिर धीरे 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 पेड़ बढ़ते जाएगा, फिर धीरे धीरे वो पेड़ बढ़ते जाएगा। बोले भैया बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर बताए, बोले उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, बिरजा ब्रह्म लोक भेदी परम पाए। अगर उसमें पानी देते रहोगे बढ़ते 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 वो लता कहाँ जाएगा, ये ब्रह्मांड को भेद कर जाएगा। ये ब्रह्मांड मतलब जैसे भूत भूग मोह जन तप और सत्य, ये ब्रह्मांड, और नीचे सात लोग अतल पीतल तलातल सुतल पाताल, नीचे सात लोग और ऊपर सात लोग मिलकर के 14 भुवन मिलकर एक ब्रह्मांड होता है। यदि ये लता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाएगा, भाई लता क्या चीज है, मतलब लता मतलब होता है हमारी धार, लता को हमारी धार को एक यहाँ लता को साथ प्रदान कर दिया। देखो अच्छे तरह से ये चीज को समझो, अच्छे तरह से समझोगे ना, बहुत बड़ी चीज। ये भगवान खुद ये बात ठाकुर स्वयं भगवान कह रहे हैं, राधा कृष्ण रूप में महाप्रभु ये बात को समझा रहे हैं। हमारी भावना धीरे 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 भावना बढ़ते बढ़ते जाएगा, इसे भावना ये लता भावना बढ़ते बढ़ते जाएगी। पर ये ब्रह्मांड भेद करना मतलब क्या है, यदि जो भक्ति लता मतलब है हमारा जो भावना, हम किसको भक्ति कर रहे हैं, राधा कृष्ण को हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड में ऐसे कोई स्थान नहीं जो कि ये भावना जो हमारे जो भाव है उसको आश्रय ग्रहण करे, क्योंकि जो भूर भुग मोह जन तप सतलोक में कौन रहते हैं, जगत में जो पुण्य कर्म करते हैं वो सब लोग जाते हैं, लेकिन वहां तप तक रहते हैं। बोले ब्रह्म लोग तक भी, ब्रह्मा का परमायु भी 100 साल है, लेकिन उसका भी जब परमायु खत्म होगा ना, उसको भी फिर गिरना पड़ेगा, फिर संसार में आना पड़ेगा। और जो भूर भूग ये लोग तो वापस आएंगे ही, इसलिए वहां पर इस जगत का पुण्य कर्म करके वहां जाते हैं। लेकिन आप ब्रह्म भुवन अलकार पुनरा प्रतिन अर्जुन, पुण्य खत्म होते फिर यही माया संसार में फिर दुख कष्ट भोग करना पड़ेगा। इसलिए हम जो भक्ति कर रहे हैं राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, ये शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, इसलिए इसको द्वारा ये ब्रह्मांड नहीं, इसलिए हमारा भाव बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड भेद क्या मतलब है, ये ब्रह्मांड में ऐसे कोई स्थान नहीं जो ये भक्ति को आश्रय दे सके, इसलिए ये क्या ब्रह्मांड को भेद कर जाता है। बोले तो भैया ब्रह्मांड को भेद कर कहाँ पर जाएगा, हाँ एक समय आपको भी एक ब्रह्मांड का मैप दिया गया है, कौन सा लोग, एक बार आपको वो चीज हम लोग दिखाएंगे। फिर वो बिरजा को पार करता है, बोले बिरजा क्या है, बोले बीरजा जहाँ पर सत्व रज और तम ये जो तीन गुण है, हाँ ये तीन गुण को द्वारा ये बना हुआ ये बिरजा है, मतलब ये तीन गुण से तुम्हें अधिक बना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन कहते हैं अर्जुन त्रिगुण विषय वेद आदि त्रिगुण भगवान हो, ये वेद से ऊपर उठो निर्गुण बनो, ये सत्व रज तम गुण से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए ये बिरजा को पार करके फिर कहाँ जाते हैं, जो बिरजा मतलब सत्व रज गुण जो वहां पर जो स्थान है, जब उसको पार करते हैं ना बिरजा को, आप एकदम पवित्र होकर के जाओगे, एकदम सारे सत्व रज गुण पवित्र निर्मल होकर के फिर उसको पर में ब्रह्मलोक। कहते भैया ये ब्रह्मलोक क्या है, कहते जो लोग भगवान को निराकार मान करके भगवान का नाम नहीं रूप नहीं गुण नहीं विदा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये सत्ता को ये आत्मा को परमात्मा में हम जाकर लीन करते हैं। इसको साजुज्य मुक्ति, मुक्ति भी 5 तरह का है, जिसको साजुज्य, साजुज्य मतलब कुछ मतलब मिलना, जो लेकर के अपना आत्मा को परमात्मा में लीन करते हैं, इसको ये ब्रह्मलोक कहते हैं।
इसलिए वो लता ब्रह्मलोक में जाता है, लेकिन वहां पर भी उसको कोई स्थान नहीं। क्यों? हम तो राधा कृष्ण की विशुद्ध भक्ति कर रहे हैं, वो ब्रह्मलोक में भी उसका कोई ऐसा स्थान नहीं जो भक्ति रूप लता को वहां पर आश्रय ग्रहण करे। इसलिए वहां पर तो भगवान को निराकार निराकार, वहां तो भगवान की सेवा नहीं, भक्ति नहीं, वो तो बेहोश होकर के अचेत होकर के जैसे शराब भी पड़े रहते हैं, वो लोग वही से ही पड़ा रहते हैं। इसलिए वहां पर भक्ति लता वहां पर आश्रय का स्थान नहीं, राधा कृष्ण की वहां सेवा नहीं, वो तो त्रिपुटी बिना सके। भक्ति भक्त भगवान तीनों खत्म, तीनों वहां खत्म हो जाती है। इसलिए ये जो भावना उसको भी पार कर जाती है, ब्रह्म लोक को पार करेगा तो जा करके कहां जाता है? जा करके वैकुंठ, कहां जाएगा? ये वैकुंठ में जाकर के पहुंचता है। जब वैकुंठ में जाकर पहुंचता है ना, ये लता का आश्रय वहीं पर जाकर के लेता है। ये लता क्योंकि वैकुंठ में भगवान की सेवा है, वैकुंठ में ठाकुर जी की सेवा होती है। शांताकारं भुजग स्वयं, इसलिए भगवान को वहां पर माँ लक्ष्मी सेवा करती है, वहां पर उनका दास लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इसलिए वहां तीन तरह का रस है, शांत दास्य और सख्य का आधा। मतलब क्या? वहां पर जितने भगवान की भक्त हैं, जितने भगवान की भक्त हैं, क्या वो सबके सब नारायण एक ही भगवान है और सबके सब उनको सेवक है, सबके सब उनको सेवक है, सबके सब मानते हैं। वहां पर लक्ष्मी तो है लेकिन वो चरण की सेवा करती है, हर समय दासी भाव से सेवा करती है उनको। इसलिए वहां पर सख्य भाव है लेकिन होने पर भी लक्ष्मी, लेकिन उसका अंदर में गौरव सख्य, मतलब है ये तो प्रियतम हमारे तो है लेकिन भावना क्या कि परम परम परमात्मा भगवान विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। इसलिए जो लता वहां तक जा करके फिर उसको ऊपर जाती है, वहां पर भी पूरा रूप में उसको कोई स्थान नहीं मिलता, फिर उसको ऊपर भेद करेगा, बोले कहाँ जाएगा? उसको भेद करके वैकुंठ से फिर जाता है अयोध्या जाता है। लेकिन हम तो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो लता राधा कृष्ण की सेवा है, इसलिए अयोध्या को भी पार करके वो पहुंचता है द्वारका, द्वारका पार करके पहुंचता है फिर मथुरा। लेकिन वहां पर भी पूर्ण रूप में जो माधुर्य जो भक्ति वहां नहीं, फिर लता फिर जा करके पहुंचता है कहाँ पर? सीधा वृंदावन में, सीधा वृंदावन में जाकर वो लता पहुंचता है। बोले वो लता कहाँ आश्रय लेता है? बोले ठाकुर जी की चरण को आश्रय लेता है, ठाकुर जी की चरण को वो आश्रय लेता है। और जो साधक यहीं पर बैठा है, भजन तो हम यही कर रहे हैं, भक्ति तो यही कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो भावना वो बढ़ते बढ़ते धीरे 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 भावना बढ़ते 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 कहाँ चला गया? राधा कृष्ण के चरण तक पहुंच गया। और जब यहीं पर साधक पानी देता रहता है, पानी देता रहता है, पानी मतलब भाव से भजन करता रहता है, भगवान की भक्ति करता रहता है, और एक दिन उसमें बढ़िया सुंदर फल होता है जिसमें गुठली भी नहीं और जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें रस ही रस है, और बैठ करके वो रस को खूब आस्वादन करता है, वो रस को पान करता रहता है। क्या है? राधा कृष्ण की जो प्रेम सेवा रस है, वो रस को वो आस्वादन करता है यहीं पर बैठ बैठ करके साधक। लेकिन यहाँ पर बताए यहाँ पर तो आस्वादन करता है यहाँ पर, लेकिन विस्तारिया कहा? विस्तारिया फल प्रेम फल माली सत्य चित्त सेवा करना दीजा, लेकिन साधन भजन तो करते ही। लेकिन यहाँ पर कहते भैया बीच में एक बहुत बड़ी बाधा आती है, इसलिए ये चीज को हमें सावधान करते हैं। हम तो भक्ति साधन कर रहे हैं लेकिन कहते भैया साधु सावधान, साधुओं को सावधान करता है। बोले क्या सावधान है? बोले ये सावधान है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंडे तार सुखे जाय पाता। यहाँ सावधान कर देते हैं क्या किस चीज की? भैया कभी वैष्णव अपराध नहीं, वैष्णव कभी अपराध मत करो, किसी साधु की चरण में कभी अपराध मत करो। कभी जो अपराध है, कहते छह तरह का साधु चरण में अपराध होता है। कितने तरह का? बोलो छह तरह का क्या क्या है? बोले हंती, जो साधुओं को मार देते हैं,
निंदती, जो साधुओं का निंदा करते हैं, भाई दृष्टि, जो साधुओं को विद्वेष करते हैं, वैष्णव नाम जो अभिनिंदती, कोई वैष्णव साधु आए उनको जो अभिनंदन नहीं करते हैं, बोले साधु को देख करके जो खुश नहीं होते हैं, हैं अभी क्रुद्धते जाति न हर्ष, जो साधु को देख करके क्रोध करते हैं और साधु को देख करके प्रसन्न नहीं होते। कभी ये छह तरह का वैष्णव अपराध, कितने तरह का, कभी छह तरह का ये साधु अपराध है, इससे हमें सावधानी रहनी चाहिए। अगर इसमें सावधानी नहीं होंगे तो वो जो लता बढ़ रही ना, बढ़ते 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 हाथी माता, मतलब है जैसे कि बाग हो, बगीचा हो, अगर हाथी उसका अंदर में प्रवेश करे, अब प्रवेश करते हुए अपना सूंड से पकड़ करके अगर जड़ समेत अगर उसको उखाड़ दे, फिर क्या होगा, वो पेड़ सबके सब खत्म, पेड़ होने का कोई चांस ही नहीं रह जाएगा, फिर एक बुरा बुरा खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते जब किसी वैष्णव को हम निंदा करते हैं, गुरु जी का प्रति हमारी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, ये दो चीज का बड़ा खतरा बताया, किसी साधु की चरण में अपराध नहीं हो, गुरु जी के प्रति अपमान नहीं हो, तभी ये भक्ति लता धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी, नहीं तो भक्ति लता वही बंद हो जाएगी, आगे वो बढ़ेगी नहीं। इसलिए ये चीज को फिर हम कल सुनेंगे डिटेल से रूप में, कितने तरह से कैसे कैसे साधु चरण में अपराध होता है, और किन किन लोगों ने किए, और महाप्रभु जगत में क्या उन्होंने शिक्षा दिया, इसी विषय को कल हम अच्छे तरह से कल इस विषय को हम श्रवण करेंगे। आज आपको आज आपको ये बताएंगे, एक दिन आपको ये बताए थे ठाकुर जी को आरती कैसे उतारते हैं, एक दिन बताए था ठाकुर जी को, ठाकुर जी को आरती कैसे करते हैं, आज हम सुनेंगे ठाकुर जी को हम भोग कैसे लगाते हैं, जैसे ठाकुर जी को हम कैसे भोग लगाते हैं, जैसे प्लेट लेकर के ठाकुर के सामने रख दिया, तुलसी पत्ता दे दिया और मंदिर बंद कर दिया, ठाकुर जी आप आकर खा लो, ऐसे भोग करते हैं ना। लेकिन शास्त्र में बताया प्रॉपर विधान किया है, ठाकुर जी को भोग लगाने का सही इसका उपाय किया, सही रास्ता किया है, आज ये प्रभु जी बताएंगे ठाकुर जी को कैसे आप भोग लगाओ। जी 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 प्रभु जी है जी इधर का सर्वप्रथम जब भोग की थाल रखते हैं तो उसमें तुलसी डालकर जो शंख जल है जो दक्षिणावर्ती शंख जो प्लेट में रहता है उसको चार बार जो भोग की थाल उसमें घुमाना है। फिर उसके बाद आसमन पात्र है उससे पानी लेकर हमें विसर्जन पात्र में डालना है, उससे कहना है कि ये सब पुष्पांजलि श्री किम राधा कृष्ण, कि भगवान को हम क्या करते हैं, आवाहन करते हैं, आपको बाद में एक पेपर देंगे, आप एक पेपर देंगे उसमें ये बता रहे, जैसे ठाकुर को सामने एक प्लेट प्लेट को लेकर जो भोजन का थाली रख लो और उसमें सब में तुलसी पत्ता डाल दो, सब में उसमें तुलसी पत्ता डाल दो और वहां पर एक आसन होनी चाहिए, जैसे जैसे हम लोग भोजन करते हैं आसन होता है कि नहीं, चेयर में बैठ करके हो नहीं तो किसी आसन में बैठ करके ही भोजन करते हैं, उसी तरह ठाकुर भी तो भोजन करेंगे, इसलिए ठाकुर को के लिए भी एक आसन होनी चाहिए और उसको सामने, जैसे आसन को सामने हम प्लेट रख करके भोजन करते हैं, इसलिए आसन को सामने ये भोजन का प्लेट रख करके पहले एक विसर्जन पात्र, ये चीज को समझो, विसर्जन पात्र मतलब होता है आप ऐसे कहीं छोटा सा कोई पात्र वो पास में रखना, विसर्जन कहते जैसे आप खाने का बाद हाथ धोओगे कहाँ पर, वैसे नहीं जाकर हाथ धोते ना, जाकर नल नदी में हाथ धोते ना, ऐसे ठाकुर भी तो हाथ धोएंगे, ऐसे ठाकुर जी कहाँ हाथ धोएंगे, खाने से पहले मुंह धोते कि नहीं, खाने से पहले मुंह धोते हो, मुंह धो करके हाथ
धो करके फिर भोजन करते हो। ठाकुर पिता हाथ धोएंगे, मुंह तो धोएंगे, इसलिए उसको कहते हैं विसर्जन पात्र। इसलिए वहां पर एक छोटी सी कोई कटोरी वहां पर रख लेना, कटोरी रख लेना, इसलिए उसमें पानी दे करके एकदम बोल क्या बोलते हैं विसर्जन पात्र में जो पानी डाला क्या बोल करेगा? सर्वप्रथम ऐसे पुष्पांजलि बोलकर ठाकुर जी का आवाहन, फिर एतत् पाद्यम करके फिर ठाकुर को विसर्जन पात्र में पानी देना है। फिर आसनम, फिर पाद्यम, फिर आसनम, एकदम आसनम, फिर राधा कृष्ण जल नमः, उसको ऐसे करके फिर विसर्जन पात्र में पानी देना है, फिर पाद्यम, फिर आसनम, एकदम आसनम, श्री राधा कृष्ण जल नमः। देखो इसमें ये बता रहे हैं जैसे हम आसन में एक फूल लेकर के आसन देते, आसन को देते ठाकुर जी, जैसे ठाकुर जी बैठे, ठाकुर जी के चरण में एक फूल लेकर ठाकुर जी ऐसा पुष्पांजलि, पुष्पांजलि पुष्प फूल ठाकुर जी, हाँ ठाकुर जी बैठे भजन के लिए उनके चरण में एक फूल दिया, ठाकुर जी आओ कृपा करके, ठाकुर जी आप भोजन करो, इसी भाव से आसन में एक फूल देनी चाहिए ठाकुर जी को। और जो विसर्जन पात्र में पानी दे करे ठाकुर जी, आप हाथ और मुख इसमें एक पात्र जरूर रखना, वो जो आचमनी पात्र होता है ना, ले तो आचमनी पात्र, सब घर में एक एक है क्या? हाँ सब घर में ये एक एक होनी चाहिए, इससे ही सब कुछ होता है। जैसे ठाकुर जी को पानी लेकर जो विसर्जन पात्र में ठाकुर जी आप कृपा करके हाथ मुंह धो लो, है ठाकुर जी इसमें हाथ, आपको एक पेपर देखो, पेपर लास्ट में देंगे, उसमें सब लिखा हुआ होगा वो मंत्र किया है, और ठाकुर जी को है दे करके फिर ठाकुर जी को थाली में ठाकुर को भोग लगाया, फिर यहाँ से पानी लेकर के ठाकुर जी को जो खाना खाने में खाने के ऊपर में पानी देनी चाहिए, उसमें क्या बोलनी चाहिए? खाने के ऊपर पानी देकर क्या बोलनी चाहिए? देखो इसमें बताए एकदम एकदम नैवेद्यम, नैवेद्यम का मतलब होता है जैसे दाल चावल सब्जी, इसको नैवेद्य कहते हैं, इसको नैवेद्य कहते हैं ठाकुर जी, एकदम नैवेद्यम श्री राधा कृष्णा ब्राह्मण, ठाकुर जी आप कृपा करके भोजन करो, इतना करके उसको बाद में क्या करोगे? हाँ देखो कौन कौन लोग गोपाल मंत्र लिए हो, हाथ उठाओ कौन कौन गोपाल मंत्र लिए हो, गोपाल मंत्र, ये जो गोपाल मंत्र है इसी मंत्र से ठाकुर जी को भोग लगता है, यही मंत्र भगवान कृष्ण सबसे पहले ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा इसी मंत्र से ये विश्व ब्रह्मांड को सृजन किया, इसी मंत्र से, फिर वो मंत्र को नारद जी को दिया, फिर नारद जी व्यास को, फिर व्यास उन्होंने मध्वाचार्य को, ये सत्ययुग में ये मंत्र धीरे धीरे आया, ये मूल मंत्र है, इसी मंत्र से ठाकुर को भोग लगानी चाहिए। देख लो मेरे तरफ में देखो, इतना सीख कर जाओ, जैसे ठाकुर जी को जो पुरुष लोग है उनके पास में तो जन्म ही हुए, लेकिन जो माता है आपका तो जन्म नहीं, लेकिन जो पुरुष लोग का जो जन्म है, ये जन्म कोई ऐसे एक दो जिनको पूर्ण दीक्षा हो गया, जिनको जन्म मिला है, ऐसे करके खाने के ऊपर हाथ रख करके सीधा हाथ को नीचे रखना और उल्टा हाथ को ऊपर रखना और उल्टा हाथ को ऐसे रखना, उल्टा हाथ को जो गोपाल मंत्र लिया आपको बताए ना, गोपाल मंत्र उल्टा हाथ ऐसे रख करके सीधा हाथ में गोपाल मंत्र जप करते, जैसे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस है, ये गोपाल मंत्र सीधा हाथ को नीचे और ऊंचा हाथ को ऐसे रख करके, ऊंचा हाथ पे ऐसे रहेगा, लेकिन जो सीधा हाथ को नीचे रख करके खाने के ऊपर में ये गोपाल मंत्र को बोलनी चाहिए है, जो जिन लोगों ने जो क्लीन कृष्णा के जो मंत्र लिए हो उसको 10 बार बोलनी चाहिए, ये मंत्र को 10 बार बोलने पर ठाकुर जी को भोग लग जाता है। जो लोग नहीं लिए आ करके गोपाल मंत्र ले लेना, पहले जो हरिनाम लिए हो फिर इसको मंत्र बोल के फिर बाहर हम आ जाते, ठाकुर जी खाना खाते हैं, ठाकुर जी खाना खाते हैं, जैसे एक व्यक्ति खाना खाने के लिए कितना समय लगता है, मतलब 5 मिनट के भोजन करने लगता है, ठाकुर जी को खाना देनी चाहिए,
और स्क्रीन लगा कर ना ठाकुर का स्क्रीन लगा कर बाहर आ जाओ। एक काम गायत्री होता है, जब आप पूरी मंत्र देते हैं फिर वो काम गायत्री मंत्र को हम देते हैं, फिर बाहर आकर के फिर वो काम गायत्री मंत्र को हम जप करते हैं। अभी 5 मिनट के बाद भी जो गोपाल मंत्र लिए गोपाल मंत्र से भोग लगाना, अभी 5 मिनट बाद में फिर अंदर में जाएंगे, जाकर के जैसे ठाकुर जी खाना खा ली, अभी जैसे हम लोग हाथ धोते हैं ठाकुर जी का हाथ धुलानी चाहिए, इसका पात्र लेकर एकदम आचमनियम आचमनियम श्री राधा कृष्णाभ्याप जो तो विसर्जन पात्र था उसमें ये पानी दे रहा, तो ठाकुर जी आपका भोजन हो गया, अभी ठाकुर जी अभी हाथ धो लो, ठाकुर जी हाथ धो लो, ठाकुर तो खा लिए अभी तो गुरु जी को खिलाना पड़ेगा, फिर उसी प्रसाद एकदम महाप्रसाद आपको पेपर तक एकदम महाप्रसाद गुरुदेव आप भी भोजन करिए, पानी को लेकर के भोजन का पात्र एकदम बोल करके इनको खिलानी चाहिए। इसको बाद में फिर एक मंत्र गुरु जी का मंत्र है, अभी जो लोग पूर्ण दीक्षा लिए उनको ये गुरु जी का मंत्र मिलता है, जो पूर्ण दीक्षा लिए फिर गुरु जी का जो मंत्र आई गुरु बिना आई गुरु बिना इसको 10 बार बोलनी चाहिए, फिर बाहर निकल कर गुरु गायत्री बोलनी चाहिए। अभी गुरु जी वैष्णव सबकी वृंदावनी सब भोजन हो गया, अभी थोड़ी देर बाद में फिर जाकर के अभी ये लोग खाना खा लिए इनके भी हाथ धोनी चाहिए, एकदम आचमनीय बोले ठाकुर गुरुदेव आप भी हाथ धो लो, सखियां आप भी हाथ ले लो, ओ वर्णवासी देवी आप भी हाथ धो लो, बस सब हाथ धो लिए। देखो ये सही विधान है, ठाकुर जी को भोग लगाने का एकदम प्रॉपर यही विधान है, ऐसे ही भोग लगानी चाहिए। आपको हम एक पेपर बना करके आपको देंगे, जो पेपर में ये सब चीज लिखी हुई होगी और ऐसे ही आप लोग ठाकुर को भोग लगा, ठीक है, लगाना भी है और दूसरों को ये चीज सिखाना भी है, दूसरों को सिखाना भी जन्माष्टमी आएगी ना उसी समय में भी हम अच्छे तरह से इसको हम लोग बताएंगे। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी जैसे ये अरे महाराज जी बता रहे थे ना प्रभु जी, अगर किसी की समझ में नहीं आया ना दोबारा पूछ सकते कोई बात नहीं, 3 बार पूछ सकते 4 बार पूछ सकते, चिंता नहीं करना, रोज सुबह ही पूछ सकते शाम भी, धीरे धीरे करके ना एक बार आप बड़ा सरल एक बार प्रैक्टिस करोगे ना बड़ा आसान हो जाएगा, लगना भी कठिन है। देखो रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 प्रकार के अंग बताए, 64 प्रकार के अंगों में बताया जो भगवान की तिथि आती है ना कृष्ण जन्माष्टमी राधाष्टमी और एकादशी व्रत रामनवमी जितने व्रत आते उन व्रतों का पालन करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार, और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है जो इसको भी खूब सामर्थ्य के अनुसार जो संत लोग हैं वो भजन करते हैं, वो लोग भगवान का स्मरण करते हुए अपना भगवान 3-3 लाख हरिनाम करते हैं कान पे भजन करते जन्माष्टमी मनाते हैं, पर जो लोग घर गृहस्थ में रहते हैं उनको कैसे मनानी चाहिए, फिर भगवान के लिए 56 भोग लगाने चाहिए, भगवान को स्नान कराना चाहिए अभिषेक कराना चाहिए, भगवान की पालकी यात्रा निकालनी चाहिए, भगवान की रथ यात्रा निकालनी चाहिए, कहते सामर्थ्य रहते हुए भगवान को यदि सामर्थ्य के अनुसार नहीं करेंगे तो दोष लगता है, रूप गोस्वामी होता है। तो भगवान कृष्ण की जन्म भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव आ रहा है, कितनी तारीख है 23 अगस्त को, हर बार जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग महाराज जी आते श्रीमद भागवत कथा करके हर साल की बराक की तरह इस बार भी सेक्टर 55 कॉमेडी सेंटर में भागवत कथा होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काम है, और 23 अगस्त को जन्माष्टमी है, और उससे पहले पहले क्या है 18 अगस्त से भागवत है तो कलश यात्रा निकलती है, जो भी जन्माष्टमी के अवसर में ज़्यादा ज़्यादा सेवा करना चाहता है भाग लेना चाहता है जैसे कलश यात्रा में आता है कलश उठा सकती है, और जो कलश उठा सकती है उनको पहले नाम लिखाना पड़ेगा, फिर एकदम से ऑर्डर देते ना 100 कलश 500 क्या कलश लिखा जाए, तो जो भी माताएं कलश उठाना चाहती है वो हमारे अशोकपुर जी है ना, अशोकपुर जी का आज आरती का नाम दिखा देना जो माता जी कलश उठाना चाहती है,
और इसमें क्या करना है, जन्माष्टमी में जो श्रीमद् भागवत कथा होती है सबसे बड़ी दया है, आगे आगे पता लगेगा कि भगवान की भक्ति में लगाना, भगवान की कथा से लोग को जोड़ना या भगवान की सेवा में लगाना, ये सबसे बड़ी दया है जीव के ऊपर। इसलिए हम लोग सब लोग एक एक व्यक्ति, 10-10 व्यक्ति, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबको जन्माष्टमी में लेके आएंगे, भागवत कथा में लेके आएंगे, उनको भगवान का सुंदर सुंदर नाम, सुंदर सुंदर कीर्तन आदि आदि श्रवण करने का अवसर देंगे। तो इसमें हमारे पास पैम्फलेट आ चुके हैं, कार्ड भी आ चुके हैं, कोई और इसमें आप लोग ले जा सकते हैं और सबको दे सकते हैं, और तन मन धन से कोई जन्माष्टमी में तो कोई देता है पर्ची भी कटा सकते हैं, जो चाहता कटाना तो आज मेरे से ले जा सकते हैं आरती के बाद, कार्ड भी और पैम्फलेट भी। और संडे को विशेष प्रोग्राम में हम हर संडे को निकलते हैं नगर से की तरह करते हुए, इस संडे को भी 6:30 बजे हम निकलेंगे, आप सभी लोग आ जाना। और संडे की शाम का प्रोग्राम में कल भी अनाउंसमेंट किया था, कुछ लोग आ नहीं पाए, तो संडे की जो शाम का प्रोग्राम है वो होगा नहीं, 3 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, विकासपुरी का हमारा प्रोग्राम है, यहाँ बस आएगी 2:30 बजे बस आ जाएगी, 3 बजे बस निकलेगी यहाँ से। कोई जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उसमें जाना फ्री है, खाना भी फ्री है, वापस यहीं 9-10 बजे तक वापिस आ जाएंगे, यहाँ से अपने अपने घर जा सकते हैं। तो इस जन्माष्टमी पे रूप गोस्वामी कहते हैं सभी लोग भाग लेना चाहिए जीव मात्र को, क्योंकि भगवान से सबका संबंध है, भगवान बड़े दयालु है, बड़े शक्तिशाली है, रसिक शेखर है, और उनकी भक्ति की बात चल रही है। तो भक्ति का एक अंग ये भी है उनकी जन्म को, जैसे हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, केक मंगाते हैं, सबको बुलाते हैं, और भगवान का जन्मदिन क्या है, सबको मिलकर मनाना चाहिए। और पूरे नोएडा में हर्षोल्लास के साथ कि हम लोग मनाएंगे, रथ यात्रा भी निकलेगी विशाल रूप में, आप इसको सभी लोगों को सूचना देंगे और इसमें भाग लेंगे, और रूप गोस्वामी भी हमसे कृपा करेंगे। बोलो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, रूप शिक्षा की जय, समागत भक्त वृंद की जय। प्रभु जी इसका इंतजार है। आप देखो मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, ये ना जो मंदिर बनाना है थोड़ा सा रेसिडेंस मार्केट में, यहाँ जो पत्थर फेंकते हैं ना आप लोग, इधर उधर रोड पे सड़क पे नहीं फेंकना, और बहुत सारे पत्थर लोग हमारे जो मठ मंदिर है इससे गवर्नमेंट की जगह है, बहुत सारे पत्थर लोग फेंक के, हमारे बंगाली दादा है इतनी मेहनत करते हैं, वो पोलोथीन लेके डस्टबिन लेके बैठे हैं, और आपका पत्थर हाथ में लेने को तैयार है, सिर्फ उनको दे दो, कुछ भी नहीं करना, डाल भी देते हैं और रात को फेंक के भी हुआ जाते हैं, तो कृपा करके उधर ना डालें, क्योंकि आज गवर्नमेंट से कंप्लेन आई अथॉरिटी से कि बहुत सारे पत्थर गिलास इधर पड़े, हम नहीं चाहते कोई व्यवधान डाले, ऐसे कोई भी काम ना करे, सड़क पे नहीं डालना, पड़ोसी के मकान पे नहीं डालना, और इधर भी नहीं डालना, सिर्फ क्या करना है, और जो नहीं उठा सकते मत उठा, हम उठा लेंगे, कम से कम अड़ोस पड़ोस में ना डालें, एक बार बार प्रार्थना है, आज ही कंप्लेन आई है, ऐसी कंप्लेन ना हो। और जो बच्चे हैं बार बार जो बच्चे को लाते हैं, वो सड़क है चलती है सड़क, थोड़ा बार बार बच्चे जा रहे हैं पकड़ के लाते, थोड़ा सा अपने पकड़ के बिठाएंगे, कोई हादसा ना हो, विघ्न ना आए, इसलिए प्रार्थना है आपके चरणों में, ठीक है ना। आज के जो प्रसाद की व्यवस्था है, माता जी सामने रहती है, आज आई माता जी, नाम भी याद नहीं, माता जी ने आज प्रसाद की व्यवस्था की है, तो माता जी आज आई थी, बंगाली माता जी सोमनगर से आती है, गीता माता जी ने आज थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था की है, किसी कारणवश वो आ नहीं पाई है, और उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो आए ना आए, जिसने जो सेवा दे दिया ना भगवान पर दया करते हैं, ये ऐसा क्रेडिट है, जैसी सेवा करोगे वैसे भगवान की कृपा अपने आप आ जाती है, तो हम उनको कोई भी यहाँ पर उनके लिए प्रसाद भी ले जाना और उनको सूचना भी देना, उनकी तरफ से सब लोग ताली बजाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे उनके परिवार को सुख शांति दे, भगवान भक्ति की प्राप्ति हो, गीता माता जी की तरफ से आप थोड़ा प्रसाद भी मिलता है, आज कुछ नया प्रसाद बना लेता है, क्या बना है आज, पास्ता बनाया, पास्ता बहुत बढ़िया स्वादिष्ट था, भक्तों ने बनाया, किसने बनाया, रोहिणी नंदन प्रभु जी, विपिन प्रभु जी, श्रीकांत प्रभु, हमारे श्रीकांत प्रभु जी एक नया चीज बनाया, उड़ीसा की नया चीज बनाया, और कटहल कटहल माता जी लगा, हमारे जो बंगाली माता काम गई बंगाली, जैसे आप लोग कटहल खाते है ना, इधर अक्सर करके आप लोग कटहल खाते, अच्छा
लेकिन बंगाल और उड़ीसा में जो कटहल खाते हैं वो पका हुआ कटहल खाते हैं, कच्चा कटहल बहुत कम खाते हैं। इसलिए हमारे माता जी वो एकदम बिना माता जी घर से बने कटहल लेकर के आए और एकदम पका हुआ कटहल बड़ा स्वादिष्ट है। अब इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। अभी आप लोग खड़े हो जाओ, अभी ठाकुर जी की आरती होगी, उसके बाद में सबके सब प्रसाद लेकर देगा। अनुपम प्रभु, अरे आप सुनो अनुपम प्रभु, अनुपम प्रभु हरे कृष्णा बिनो बिनो इधर सामने आ जाओ। हरे कृष्णा अभी जो यहाँ पर जो अभी बता रहे थे ना प्रसाद भोग किस लगाएंगे चाहते टाइम तो प्रभु बनाए गुरुदेव चाहते टाइम एक पेपर ले लो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना गुरुदेव चाहते टाइम चाहते टाइम जाते टाइम बात देंगे। जो लगाए वही ले लो, जो लगाएंगे वही ले लो बस। अच्छा प्रसाद संजय में प्रसाद समय दे दो ना प्रसाद अभी ले रहे हैं जेरॉक्स करा लेते ये ले लिया ना जेरॉक्स और सबको मिलेगा सबको मिलेगा। जिनको नहीं मिला माता जी कल फिर से निकाल के लाएंगे। आज ये छोटे छोटे अक्षरों में कल मोटे मोटे अक्षरों में निकाल जो कल लेंगे उनको अच्छा मिलेगा। Jai 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 Jai
Thank you.
Thank you.
बोल हरि 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 बोल Yeah.